हाय फ्रेंड्स आज हम वाइल्ड लूप क्या है और वाइल्ड लूप का यूज़ कैसे करते हैं एग्जाम्पल सिंटेक्स फ्लोचार्ट के साथ देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लूप व्हाट इज वाइल्ड लूप द वाइल्ड लूप इन सी टू बी यूज्ड इन द सिनेरियो वेयर वी डोंट नो द नंबर ऑफ इट्रेशन इन एडवांस द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द वाइल्ड लूप अंटिल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द वाइल लूप इज सेटिस्फाइड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्री टेस्टेड लूप वाइल लूप का यूज़ तब किया जाता है जब हमें पता नहीं होता है कि लूप की बॉडी के अंदर का स्टेटमेंट को तो कितनी बार चलाना है वाइल लूप के अंदर का स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन गलत नहीं हो जाता वाइल्ड लूप को प्री टेस्टेड लूप भी कहा जाता है क्योंकि वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होता है और अगर कंडीशन सही होता है तब लूप बॉडी के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है तो अब इसका हम सिंटेक्स देखेंगे पहले हम वाई लिखते हैं फिर इसके पैरेंथेसिस में हम कंडीशन लिखते हैं जितनी बार हमें लूप चलाना होता है वो कंडीशन यहाँ पे लिखाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आई लेस देन इक्वल टू टेन फिर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं मतलब जो कोड हमें लूप में एग्जीक्यूट कराना होता है वो कोड हम यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद हम सेमी कलन देते हैं फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जैसे कि आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस फिर हम करली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे लेकिन उससे पहले हम वाई लूप का फ्लो चार्ट चलिए देखते हैं ये है वाई लूप का फ्लो चार्ट पहले हमारा लूप स्टार्ट होता है फिर इनिशियलाइजेशन होता है फिर हमारा कंडीशन चेक होता है अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो लूप के बॉडी का अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है जो स्टेटमेंट होता है लूप के बॉडी का अंदर वो एग्जीक्यूट होता है फिर वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है उसके बाद फिर हमारा कंडीशन चेक होता है और कंडीशन फिर ट्रू हुआ तो लूप के बॉडी के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है फिर वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है उसके बाद फिर कंडीशन चेक होता है कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर हमारा लूप के बॉडी के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता अगर कंडीशन हमारा जब फॉल्स हो गया तो लूप के बॉडी का लूप बॉडी एंड हो जाता है हम लूप बॉडी के बाहर आ जाते हैं तो अब हम वाइल लूप का एक एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है हम वन से टेंथ तक प्रिंट कराएंगे वाई लूप की मदद से तो यहाँ सबसे पहले मैंने इनिशियलाइजेशन किया है आई का वैल्यू वन रखा है और फिर मैंने वाई लिखा और इसके पैरन्थिस में मैंने कंडीशन लिखा कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू टेन तो ये कंडीशन हमारा चेक होगा क्या आई लेस देन इक्वल टू टेन है तो आई का वैल्यू वन है तो वन क्या हमारा टेन से छोटा या बराबर होता है तो हाँ आई मतलब वन टेन से छोटा होता है तो ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा और कंडीशन ट्रू होते ही लूप के बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट की मदद से प्रिंट फंक्शन की मदद से i का वैल्यू वन हमारा प्रिंट हो जाएगा फिर हमारा वन आई का वैल्यू वन है तो उस i प्लस प्लस की मदद से वन से हमारा एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा मतलब i की वैल्यू वन से हमारा टू हो जाएगा फिर हमारा कंडीशन चेक होगा क्या i लेस देन इक्वल टू टेन है मतलब क्या टू i की वैल्यू हमारा टू हो गया तो टू लेस देन इक्वल टू टेन है तो हाँ कंडीशन फिर ट्रू होगा फिर हमारा प्रिंट फंक्शन की मदद से हमारा आई का वैल्यू टू प्रिंट हो जाएगा फिर हमारा टू का वैल्यू आई प्लस प्लस की मदद से थ्री हो जाएगा फिर कंडीशन चेक होगा क्या थ्री लेस देन इक्वल टू टेन है तो फिर कंडीशन ट्रू होगा फिर प्रिंटअप फंक्शन की मदद से हमारा आई का वैल्यू थ्री प्रिंट हो जाएगा फिर थ्री से फोर हो जाएगा वैल्यू फिर फोर ये कंडीशन चेक होगा फोर लेस देन इक्वल टू टेन है तो हाँ फिर आई का वैल्यू फोर हमारा प्रिंट हो जाएगा फिर फिर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा फाइव फिर कंडीशन चेक होगा फिर वैल्यू सिक्स हो जाएगा फिर कंडीशन चेक होगा हमारा फिर सिक्स प्रिंट हो जाएगा फिर सिक्स सेवन वैल्यू हो जाएगा फिर कंडीशन ट्रू uh, हो जाएगा और फिर हमारा एट प्रिंट होगा ऐसी नाइन प्रिंट होगा फिर हमारा टेन प्रिंट होगा फिर टेन टेन से बढ़ के हमारा यहाँ पे जो i प्लस प्लस होगा टेन से हमारा वैल्यू हो गया इंक्रीज इलेवन तो कंडीशन चेक होगा क्या इलेवन लेस देन इक्वल टू टेन है तो ये कंडीशन हमारा हो जाएगा फॉल्स कंडीशन अगर फॉल्स हो गया मतलब इलेवन टेन से छोटा ना छोटा होता है ना बराबर होता है तो कंडीशन हमारा हो गया फॉल्स तो हम लूप के बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे मतलब वन से टेन तक हमारा प्रिंट हो गया मतलब इसका आउटपुट होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन जैसे ही हमारा प्रिंट हुआ यहाँ पे आई का वैल्यू हमारा जब टेन हो गया तो टेन से हमारा एक वैल्यू बढ़ गया मतलब आई प्लस प्लस से टेन का वैल्यू एक बढ़ गया टेन से हमारा हो गया एलेवन तो यहाँ पे हमारा इलेवन जैसे ही यहाँ पे आया आई का वैल्यू इलेवन तो कंडीशन चेक हुआ इलेवन लेस देन इक्वल टू टेन क्या इलेवन टेन से छोटा या बराबर होता है तो कंडीशन यहाँ पे हो गया हमारा फॉल्स और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ हम लूप का बॉडी से बाहर आ गए और वन से हमारा टेन तक प्रिंट हो गया गाइज ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है इस प्रोग्राम को आपको अच्छे से देखना है और इसका आउटपुट आपको कमेंट करके बताना है आई होप फ्रेंड्स आपको वाइल्ड लूप का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम आई डी पर मैसेज कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डू वाइल्ड लूप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में